नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाइबेंड टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ज़ाइबेंड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ज़ाइबेंड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ज़ाइबेंड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ज़ाइबेंड टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ज़ाइबेंड टैबलेट का उपयोग पेट में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। पेट में कीड़ों की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है। बच्चों के पेट में कीड़े होना एक सामान्य बात है, लेकिन पेट में कीड़े बड़ों को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। पेट के कीड़े भोजन से विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी सोख लेते हैं और पेट में कीड़े होने पर व्यक्ति को खाया पिया अच्छी तरह से नहीं लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी होना, वजन का कम होना, पेट में दर्द और भूख कम लगना आदि लक्षण पेट में कीड़े होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर में थकान रहना, लगातार कब्ज की समस्या रहना, खाना खाने के तुरंत बाद मल के लिए जाना, पेट में गैस बनना और दस्त होना आदि लक्षण भी पेट में कीड़े होने पर हो सकते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। पेट में कीड़ों की जांच करने के लिए आपका डॉक्टर स्टूल टेस्ट करवा सकता है। स्टूल टेस्ट की मदद से आपका डॉक्टर यह आसानी से पता लगा सकता है कि आपको पेट में कीड़ों की समस्या है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम जानेंगे कि ज़ाइबेंड टैबलेट कैसे काम करती है। पेट के कीड़े जीवित रहने के लिए भोजन से ग्लूकोज सोखते रहते हैं। ज़ाइबेंड टैबलेट पेट के कीड़ों को ग्लूकोज सोखने से रोकती है, जिसकी वजह से पेट के कीड़ों में एनर्जी की कमी हो जाती है और पेट के कीड़े मर जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाइबेंड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ज़ाइबेंड टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ज़ाइबेंड टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, सिर दर्द, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और अस्थाई तौर पर हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा ज़ाइबेंड टैबलेट अस्थाई तौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के लेवल को कम कर सकती है। अगर आपको ज़ाइबेंड टैबलेट को लेने के बाद बुखार, खांसी, गले में खराश, कमर में दर्द या पेशाब करते समय दर्द होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाइबेंड टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ज़ाइबेंड टैबलेट को फैटी भोजन करने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। फैटी भोजन का मतलब है कि जिसमें फैट का लेवल ज्यादा हो, जैसे घी, दूध, अंडे आदि। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर पेट में कीड़ों को साफ करने के लिए ज़ाइबेंड 400 mg टैबलेट की एक टैबलेट को केवल एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन पेट में कीड़ों की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर कुछ व्यक्तियों में ज़ाइबेंड टैबलेट की डोज इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ज़ाइबेंड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाइबेंड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी ज्यादा गंभीर होने पर ज़ाइबेंड टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना ज़ाइबेंड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज़ाइबेंड टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ज़ाइबेंड टैबलेट